यहाँ बच्चों के लिए ग्राउंड वगैरह प्लांट है। अच्छा, ये पूरा फूड का और पूरा वो मिलेगा बच्चों को। बच्चे आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको पता नहीं है कि नाशपाती और संतरे का पेड़ कैसा होता है ना, भिंडी का पेड़ कैसा होता है, उन्हें पता ही नहीं कि पेड़ उगते हैं या नहीं उगते हैं। अरे हम बट बच्चे क्या, हम लोगों ने नहीं देखा होगा। ये कड़कनाथ, इसमें कड़कनाथ रहता है। क्या रहता है? अच्छा, कड़कनाथ काले वाले मुर्गा मुर्गी। पाइप के पास बन जाएंगे। तो आप उनके एग्स भी सेल करते हैं? हाँ, सब कुछ होता है। अभी होंगे अंडे, अंडे अभी मालूम करने पड़ेंगे। अभी बहुत कम आ रहा है। हेलो कड़कनाथ। कौन है? यहाँ से देखो कड़कनाथ। अरे यार ब्लैक, बिल्कुल सिर्फ टोटल ब्लैक होते हैं ये। बाबा कहाँ रह गए? बाबा रह गए कार में, बाबा का मूड खराब हो गया। बाबा सी कड़कनाथ होते हैं ये। इनका अंडा कुछ? हाँ ये मतलब स्पेशल होते हैं, स्पेशल ब्रीड। ये मुर्गा मुर्गी हैं, स्पेशल ब्रीड है ये। मतलब वही देसी का जैसे हम लोग खाए थे? देसी है, देसी का अल्ट्रा देसी है ये। हाँ तो आधा मजा और आ जाएगा। हाँ अल्ट्रा देसी ना, इसका नहीं ऐसे चलो, बस मुर्गा पैर पे चलो, पंजे पे ऐसे, लेकिन पंजे पे ऊपर। हाँ ऐसे बस दिखते रहे। बाबा से कहो तुम्हें उचका देंगे। नहीं सही है, दिख रहा है, दिख रहा है उसे। बस पाइप पे नहीं चढ़ना बेटा, अगर नहीं तो ये ईंट रख लो, ईंट नहीं देख लिया। हाँ आओ, दिख रहा है, देख। इनका गोश्त भी तो 500 क्या? यस दे आर 500। एक आदमी इनकी देखरेख करने वाला होगा? दो चार होंगे भैया। नितिन भाई का नंबर ले लो यार, नितिन भाई से बात करके आया करेंगे। हां नितिन भाई, जब रिजॉर्ट ऑन हो जाएगा भी होगा तो क्या यार, नंबर ले लीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूं वैसे। अच्छा दिल्ली में कहां? मैं रहता हूं इंदौर में। राजीव? अच्छा इंदौर में रहता हूं। मैं जॉब करता हूं ऐसे आईटी कंपनी में। अच्छा घर मेरा दिल्ली में है, यहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो हमारे को दोनों तरफ से बीच में पड़ जाता है ये। आप कहाँ रहते हैं मैडम? हम लोग ओखला में रहते हैं, जामिया के पास। जामिया मिलिया के पास में, जामिया मिलिया में है, बायोटेक डिपार्टमेंट में। अच्छा ऑफिस भी पास में है आपके ओखला में? अच्छा किस चीज का फिर ऑफिस है? आईटी कंपनी का। अच्छा अच्छा आप मल्टीटास्किंग है। एक्चुअली मैं मल्टी टैलेंटेड। आजकल क्या है ना, लोगों का ना जॉब से ना मन हटने लगा है, कुछ बताओ। लोग ना अपना खुद का कुछ चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूं। नहीं नहीं अच्छी चीज है, आगे आने वाले समय के लिए तो बहुत। तो ये आपका पेरेंटल होगा ना? आपका पेरेंटल नहीं है, मेरे दोस्त का है। हाँ लेकिन ये पेड़ तो लगे हुए बहुत पुराने होंगे। पॉइंट होटल है ना? हाँ हाँ उन्हीं का है। अच्छा उनका है। ये 100 बीघे का बाग है ये? 100 बीघे का। 100 बीघा इधर तो बहुत अभी अंदर तक सब आम है। जो हमारी हट वगैरह जो बन रही है ये समझ लो। तो भाई दो तरह से इसमें हो जाएगा, एक तो ये जैसे आम है इसकी फसल हो गई, उसके बाद होटल आप खोलेंगे तो उसका चलेगा। तो आम हम लोग ले नहीं सकते यहाँ से? खरीद सकते हैं? कैसे कर कितना कर कितना पर? वो बताएंगे उन लोगों को, हम लोग दे देते हैं ना। नहीं तो अपने हैंड पिक्ड नहीं ले सकते, खुद ही तोड़ ले? हाँ हाँ ले लीजिए, लेकिन बारिश हो रखी है, आप जाओगे कच्चे टेढ़े? नहीं नहीं सामने सामने भी तो हैं कुछ, सारे कच्चे हैं। पाल लगा लेंगे घर में? पाल तो लगा हुआ है वहाँ से, पाल की पेटी ले लीजिए। अच्छा अच्छा 7838 7838 1 6 4। सेलिंग भी होती है? 1 6 4 4 7 4। देखा तुमने, मजा आया तुम्हें पेड़ पे आम देख के? अभी तक तो ठेले पे देखे थे खाली, है ना? और भी बाग वो हैं इनके यहाँ पेड़? किस चीज के हैं वो?
नाशपाती वगैरह हो गया, संतरे वगैरह इधर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अभी तो अभी लगे। अच्छा ये आम के पेड़ कितने साल पुराने होंगे भैया? ये कितने साल पुराने होंगे? पुराना बाग है मतलब, आप लोग कमर्शलाइज कर रहे हैं अभी। लेके अलीगढ़ तक मिलेगा ना? हाँ नहीं नहीं, हम लोग देखते हुए आ रहे थे, हमें नहीं मिला। हम लोग भी ऐसे ही आए थे, देख के ही आए। हम भी चले जाते, अंदर आगे नहीं देखते ना, उसको मत लगवाओ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जो अप्रोच हाथ के अप्रोच में होगा ना, वो ज्यादातर कच्चे ही होगा। ये तो जो अपने आप पका हुआ ना, वो अपने आप गिर जाएगा, जैसे वो गिरा हुआ है, वो पक गया समझो, अपने आप टपक गया। ये देखिए ये टपक रहा नालियों में, कितने चपके। क्या हिसाब दे रहे हैं? 40। अच्छा, ये पूरी पेटी में कितना आ जाता है? एक क्रेट। क्या नाम है आपके? मेरा अब्दुल कादिर। कादिर भाई बहुत बढ़िया। हाँ भर रहा हूँ। यार पालकी लगा हुआ है सब पेटी करेट में ही। हाँ करेट से पैसे दे दिए। ये है पक्का बिजनेसमैन भाई, एक आम ना तोड़ने दिया इसने। यार हैंड पिकिंग करने को मन कर रहा है, उनसे पूछ लो ना वो तोड़। सॉरी नहीं तो ये तोड़ने से कोई फायदा नहीं, सब कच्चा आम। तो घर में जाके ऐसे ही लगा लेंगे कागज में? लगाना है। अरे हाँ? पक्का अब कहाँ दिल्ली में पाल लगाओगी तुम? दो दिन बाद फिर आओगी वहाँ से? आप कार्बेट का क्या ले जा रहे हैं जब नेचुरल पका हुआ आम मिल रहा है? और क्या कार्बेट ला के खा? अरे सिर्फ देख लो, देखने के लिए सही है, देख लो ला के खा लो। इधर इधर रख दो, ये इधर रख दो, आप नेचुरल आम जो है ये वाला हैंड पिकिंग में मजा आ रहा है। हैंड पिकिंग जितना है ये सब देखने के लिए भी सही है, यूज में नहीं, मतलब यूज आप नेचुरल आम पकाओ, ये लो ना ये। आप कार्बेट वाले में क्या पढ़ रहे हो? खाने में सबसे अच्छा ये देखो कौन सा, ये चौसा। अरे इधर देखो, इसका भी कोई टाइम नहीं है, बस अरे टाइम नहीं है, नहीं देखे अभी आपने, आम नहीं देखे अभी, अंदर जाओगे ना तो एक किलो का आम लटका हुआ, आधा आधा किलो का, इतना बड़ा बड़ा आम। अच्छा बारिश हुई अभी यहाँ पे बहुत जबरदस्त, नहीं तो हम नीचे उतर जाते। बाग है आपका? आप कहाँ गए यूसुफ भाई? रहने वाले मैं तो बुलंदशहर। और जो चूर आए वो भी खराब हो रहा है, बहुत सारा नहीं लग रहा है। ये देखिए ना, ये खराब ना हो रहा है, क्यों ऐसा है? तोलने का मन कर रहा खराब आम, बस ये फर्क है। जो चूता होगा आप उठा लेते हो? वो कितना बड़ा आम है देखना, उठाओ ये बड़े दिखे यार, इसको भी लगाना पड़ेगा। दशहरी लग रहा है। और ये देखो बीच में रखा हुआ है आम, इतना बड़ा ये वाला, ये वाला इसी के आम कौन इसके नीचे उठाना बेटे, ले यार दो गला। हां ये इसको उठा दे, बड़ी आम जो होगी देख ले यार, देख ये वाली इससे नहीं चल रही, हटा ये वाली। चलो यार ले चले, दो मुंह है।
अच्छा नहीं मैं समझो वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड क्वालिटी नहीं, ये हाइब्रिड नहीं है मैं बताऊं। हाँ जैसा आपने क्या किसी ने भी आम खाया उसकी गुठली क्यों फेंक दी और वहाँ पेड़ बन गया, तो वो पेड़ जो बनेगा ना उसकी ये पता नहीं है ये कौन सी ब्रांड का आम दे दे। अच्छा हाँ अरे क्या कर रहे हो, क्यों जो गुठली जिस ब्रांड की होगी उसी ब्रांड का देगा आम? तुम गुठली किसी पेड़ की डालो ये टहनी काटी जाती है, जैसे चौसे की टहनी लेके काट को ऐसे टहनी कलम बोलते हैं कलम, वो कलम लग जाती है जब वो फलाम देगा, और जैसे तुमने गुठली यूं डाल दी तो कुछ भी वो देसी भी बन जाएगा, दोगला भी बन जाएगा, वो कोई कलम का आम नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा, मतलब कन्वर्ट ना हो इसके लिए कलम लगाई जाती है। हाँ कलम लगाना इसलिए कि वो मजबूत काम हो जाता है, नहीं तो वो कुछ ही बन जाएगा। अरे ये रख क्यों दिया, जैसे तुमने दशहरी की कलम लगा दी हम लोग तो ले रहे हैं, दशहरी ही हो उसमें कोई दिक्कतदारी ना आगे। नहीं सिर्फ ऐसे हैंड पिक कर लो, ओनली पिक डोंट पिक, देखो कैसे आम लगे हुए, मजा आ रहा है देखने में ना यार, तोड़ने को मन कर रहा है। ये देखो कितना करीब, मैं तोड़ूंगा, कच्चे तोड़ सकते हैं कि नहीं? कच्चे फिर पाल कहाँ लगाओगे यार, यार पाल नहीं लगाएंगे, कच्चे भी तो यूज होते हैं, पन्ना बनाएंगे तो ले लो कच्चे, ले लो कच्चे का रेट हल्का शायद लगा दे। ये देखो कैसे कैसे लटक रहा है, हमारा छिम्बू होता सारे तोड़ लेता। अच्छा ये अंदर कितनी दूर तक है? अरे अरे गीला ना होता जब तोड़ लो तब दे देना मुझे, मैं वीडियो भी तो बना रहा हूँ यार। आप ले लो एक किलो ले लो, हम अपनी गलियों में डाल देंगे। हाँ तो वहाँ से तोड़ लो आगे से, चलो 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 देख के चल, देख के चलना थोड़ा संभाल के, नहीं तो गीला ना है, बच बच के जाना है। कौन सा बैग? यूनुस भाई के पास है, देखो ये भी आ गया साथ में गाड़ी के लिए। चिटकू क्या नाम है तुम्हारा? है आ जाओ आते, बताओ दशहरी आम कौन सा है, तुमको पता है ये ऐसे चुटकू चुटकू क्यों हो जाते हैं, ये क्यों हो जाते हैं, ये ऐसे क्यों हो जाते हैं मिट्टी में का? ये वो पोटी पोटी करते हैं वो लोग, कीड़े लोग, कीड़े नहीं अर्थवॉर्म्स होते हैं इसमें, वो खोद देते हैं मिट्टी को। कितना अर्थवॉर्म को मार के तो काम होता है, कीड़े कीड़े धर्म है क्या कर दूं? रुक जाना अभी मत तोड़ना, मैं आ जाऊं यूं जा बिल्कुल टीवी सामने वाले पे से। हां नीचे कहां नीचे नीचे होंगे, संभल के चलना भाई संभल के। ये देखिए ये पका हुआ आम डाल का, ये देखो आतिफ भाई उठा लो तुम, ये पका हुआ लग रहा मुझे, अपने खूब रखवा बड़े। ये कौन सा आम है, तो देसी लग रहा है वो छोटा छोटा, ये सबसे महंगा आम होता है। हाँ क्या नाम है इसका? इसका नाम है राम केला, राम केला, इसका ही अचार डलता है, असली अचार काम यही होता बस, लेकिन ये मीठा होगा ना। ये तो दशहरी और सरोली है, दशहरी और सरोली बड़ा आम है, छोटे छोटे नहीं ये छोटे ना है, ये डाल के आम खा के तो देखो, खालो 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 नहीं अभी तो ऐसे कैसे खा सकते, पानी डालो जग, मैं तो जग में पानी ले लिया, आतिफ को लेकर आतिफ भाई तो हमारे बहुत छोटे हैं, क्या बेचारे लाएंगे,
ये भैया जो आम बता रहे हैं इसको कह रहे हैं राम केला है, ये अचार के लिए है ये वाला, ये आम राम केला है और ये अचार के लिए है। ये भी डाल का है शायद ये वाला आम। अरे वाह आप तो बहुत अच्छे हैं छोटे भाई। धुल लेना अच्छी तरीके से, धुल लो। तुम्हें नहीं मिला? मैंने यूनुस भाई को दे दिया था। यूनुस भाई क्या किया? लो बेटा क्या? दो आम दिए थे, ये एक मेरे पास। चलो तुम खा लो, बाद में खा लेंगे, कोई मसला नहीं। बता देना टेस्ट कैसा है, बस उसी से अंदाजा लगा लेंगे। वीडियो बना रहा हूँ, यूनुस तुम पकड़ लो और धुल लो, खा लेंगे बाद। आतिफ जग में पानी और लिए कही है? आतिफ भाई के ऊपर लोड पड़ गया बेचारे, इतने छोटे हैं, इतना बड़े जग में ला रहे हैं। कैसा लग रहा है? मैं तो अभी ये खा रहा हूँ। अभी तक ऐसा टेस्ट नहीं मिला, ये है दाल का। अभी तक ऐसा टेस्ट नहीं मिला। इसमें हम नीचे है कोई 8-7 किलो रखा दाल की बात तो